बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत डिलीशियस चिकन फहीता राइस की रेसिपी, जो कि एक रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही मज़ेदार ही तैयार होते हैं। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो आ जाते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 3 पाव चावल ले लिए हैं गोल्डन बासमती राइस, जिसको वॉश करके 1 घंटे पहले भिगो दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे उबल रहा था पानी, जिसके अंदर ये सोख किए हुए चावलों को मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर देंगे हम। और चावलों को हमने फुली डन करना है, तो यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर चावलों को हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो हमारे फुली डन हो चुके हैं। तो चावलों को आपने 12 से 15 मिनट के लिए बॉयल करना है मीडियम हाई फ्लेम पे, और चेक कर लीजिएगा चावलों को तोड़ के कि कितने डन हुए हैं। अब यहाँ पे हम छन्नी की मदद से चावलों को निकाल लेते हैं, सारा एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन आउट करेंगे। तो इन चावलों को छान लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये चावल ठंडे होते हैं नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली वोक ले ली है, जिसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को चिकन। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन का ब्रेस्ट पार्ट और थाई पार्ट दोनों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने सरा से स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसको मैंने वॉश कर लिया था और पैड ड्राई कर लिया था चिकन को। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 टेबल स्पून हम लहसुन डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो ये 1/2 टेबल स्पून का नाप है, तो मैं यहाँ पर 2 डालूँगी, तो मतलब 1 टेबल स्पून हो गया। इसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, जो कि जाएगी 1/2 टेबल स्पून। तो ये बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक थी, ये मैंने शामिल कर दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मीडियम हाई फ्लेम पे हमने स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब देखें लहसुन अदरक हमारा स्लाइटली गोल्डन सा हो गया है, इस स्टेज पे हम इस चिकन को डाल देंगे। और चिकन को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि ये चिकन पिंक से वाइट हो जाए, थोड़े से ही कलर में चेंज हो जाए। तो देखें चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है। इस स्टेज पे हम नमक डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे नमक डाल के भी हम चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है नमक डाल के। अब इस स्टेज पे कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो चीनी यहाँ पे 1/2 टीस्पून जाएगी। इसे ये मत समझिएगा कि ये मीठा हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें बहुत ही अहम सीजनिंग जाएगी, जो कि है फहीता सीजनिंग, जो कि आपको ईजिली मिल जाती है मार्केट में। और ये ऑरिगेनो वगैरह सब चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, थोड़ा सा इसमें गार्लिक पाउडर भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये डालने के साथ ही मैं इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, जिसको हामदस्ते में कूटा था 1/2 टीस्पून डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने इतना कुक करना है कि ये फुली डन हो जाए, क्योंकि चिकन बहुत छोटे छोटे पीसेज में थी और बोनलेस भी थी, तो कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चिकन को मसालों के साथ मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है लगातार चलाते हुए। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ सब्जियां। सब्जियों में मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको जूलियन कट में सरा से स्लाइसेस में काट लिया था। 1/2 कप शिमला मिर्च है जूलियन कट, 1/2 कप मैंने बेल पेपर्स लिए हैं रेड वाली और ग्रीन वाली, जिसको मैंने इसी तरह से जूलियन कट में काटा हुआ है। ये डाल के हम मीडियम हाई फ्लेम पर तमाम सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। तो सब्जियाँ डालते वक्त आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सब्जियाँ ओवर कुक ना हो, ताकि ये कलर में चेंज ना हो सके। तो मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो पानी रिलीज ना कर सकें। यहाँ पे सब्जियाँ जो है वो हमारी कुक भी हो चुकी हैं और ये थोड़ी सी क्रंची भी हैं। तो इस स्टेज पे हम ये जो बॉयल किए हुए चावल थे फुली डन हुए हुए, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं चावलों का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल खिला खिला है और फुली डन हुआ हुआ है। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है चावलों को। इससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और ये डार्क सोया सॉस है तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे सिरका सफ़ेद, जो कि 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और फ्लेम को आपने मीडियम हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से टॉस भी करते जाना है चावलों को, और मिक्स भी करते जाना है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से बनाइए इन चावलों की रेसिपी को, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो चावलों को तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए
लगातार इसी तरह से चलाते हुए हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है और फ्राई करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार ये चावल बन जाते हैं। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते जो होते हैं वो ऐड करूँगी। तो वाइट वाला पार्ट आपने नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये ग्रीन वाला पार्ट डालना है। तो मैंने मुट्ठी भर डाल दिया है, इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें डालना चाहें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार से हमारे चावल बन के तैयार हैं। आप इसको सिर्फ रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी अच्छी रेसिपी चिकन फहीता राइस की। इस स्टेज पे आप मिर्चे नमक चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें फ्रेश। तो बहुत ही मज़ेदार ये चावल बन जाते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और मेरे चैनल पे इतने सारे लोग हैं, मुझे कौन कौन कहाँ से वॉच कर रहा होता है, कौन है आप सब, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मुझे पता हो सके कि मेरे चैनल पे कौन कौन मुझे वॉच कर रहा होता है और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करता है। तो ये थी मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।